ये करके दिखाओ, ये फिर ये। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चिनेश और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड गेमिंग। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे गेम के बारे में जिसका साइज तो बहुत कम है लेकिन ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ग्राफिक्स आपको भी बहुत पसंद आएंगे। और एक बात कि ये गेम आपके बिना सेटिंग करे नहीं चलेगा, तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस गेम की सेटिंग्स बताऊंगा। अगर आप उन सेटिंग्स को करते हैं तो ही ये गेम चलेगा, अदरवाइज ये गेम बहुत ज़्यादा लैग करेगा अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो। तो यहाँ पे आप गेम प्ले देख सकते हो, ये PSP का गेम होगा जो कि आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। और एक बात, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो एंड में अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। तो मैं वीडियो को शुरू कर देता हूँ। गेम प्ले आपने देख लिया होगा, गेम की सेटिंग्स क्या होगी और गेम को कैसे चलाना है वो जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है दो एप्लीकेशंस की जरूरत होगी। पहला आपको चाहिए होगा Z8 Tribal और दूसरा आपको चाहिए होगा PPSSPP Gold। तो मैं इन दोनों के लिंक अगर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ये दो एप्लीकेशंस है तो आप डाउनलोड मत करिएगा। अब आपको क्लिक करना है Z8 Tribal को, यानी उसको ओपन कर देना है। आपको जो एक फाइल दिख रही होगी, इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस फाइल का साइज़ आप देख सकते हैं, 193 MB जो है इसका साइज़ है। तो मतलब आपको ज़्यादा नेट देने की ज़रूरत नहीं, आप कंप्रेस्ड मान लीजिए इसको, तो आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है, फिर आपको एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक कर देना है। फिर आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपको लिखना है पूरे स्मॉल में, UNDER BY ANDROID GAMING। अब आपको डन कर देना है, फिर ओके। एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद आपको जो फोल्डर मिला है उसके अंदर जाने से पहले आपने जो फाइल डाउनलोड करी थी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, उस फाइल को आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि उस फाइल का कोई काम नहीं है। अब जो फोल्डर मिला है उसमें जाइए, गेम के फोल्डर में जाइए और यहाँ पर आपको गेम की ISO फाइल दिखेगी जिसका साइज है 843 MB। अब गेम की ISO फाइल मिल जाने के बाद आपको ओपन करना है PSP गोल्ड को। फिर आपको उस फोल्डर में जाना है जहाँ अभी अभी आपने अपनी गेम को एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ था। आपको दिख रहा होगा गेम का आइकन, लेकिन हमें इस पर क्लिक करने से पहले कुछ सेटिंग्स भी करनी है, तभी गेम आपको और स्मूथ रन करेगा। क्लिक करें सेटिंग्स पर, फिर आपको मोड पर क्लिक करना है, स्किप बफर इफेक्ट पर सेट कर देना है। फ्रेम स्किपिंग को हम रखेंगे 1 पर और फिर अल्टरनेटिव स्पीड जो है इसे 600 पर सेट रखना है, आपको 600 पर सेट कर देना है। और डिस्प्ले रेजोल्यूशन को आपको ऑटो समाइज रेंडरिंग रेजोल्यूशन सेट कर देना है। फिर आपको इन सब पर टिक कर देना है और उसके बाद आपको ऑडियो में आ जाना है। आपको लास्ट के दोनों ऑप्शन पर टिक करना है। सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद बैक आइए, गेम के आइकन पर क्लिक। वन मिनट, जरा बैक आइएगा। अब हमें गेम के ग्राफिक्स में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है गेम के ग्राफिक्स में, तो उसे सॉल्व करने के लिए आपको मोड पर क्लिक करना है और फिर बफर रेंडरिंग, फिर आपको नीचे आना है और रेंडरिंग रेजोल्यूशन को आपको क्लिक कर देना है और उसको आपको जो है ऑटो पर सेट कर देना है। फिर आपको ऊपर आके मोड पर क्लिक करना है और इसके बफर इफेक्ट तो इसको सेट कर देना है, फिर आपके गेम के ग्राफिक्स और इंक्रीज हो जाएंगे। बैक आइए, कंटिन्यू। फिर आपका गेम बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स के साथ प्ले होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो, इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत थैंक यू।
और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा इस चैनल के बारे में, क्योंकि इस चैनल पर आपको टॉप गेम्स की वीडियोज़ मिलेगी जो कि आपके फ़ोन में अच्छी तरह से सपोर्ट करते हो और जिन्हें खेलने में आपको मज़ा आता हो। मैं ऐसा कोई गेम आपको नहीं दूंगा जिसे खेलने में आपको कोई मज़ा ना है और वो आपके फ़ोन में अच्छी तरह से सपोर्ट ना करे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमको प्यार से इंडिया।